उत्तर प्रदेश के बहराइच में दंगों के बाद अब हालात पूरी तरीके से सामान्य होने की तरफ है, लेकिन दंगे के आरोपियों सरफराज और तालब के इनकाउंटर को लेकर राजनीति है कि थमने का नाम नहीं ले रही, चरम पर है। कल के हाफ एनकाउंटर के बाद विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है, इसकी गूंज लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक सुनाई दे रही है। इनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा है, फिल्मी बताया जा रहा है, डराने के लिए किया गया इनकाउंटर कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी पलटवार कर रही है। गोली चलाने वालों को जवाब गोली से ही मिलेगा, उनको माला तो नहीं पहनाई जाएगी। तो आज की बहस बहराइच को लेकर, लेकिन पहले इस पर जो सियासी वार पलटवार हो रहा है जरा देखिए। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। वैसे अपराधी को तो ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए, अखिलेश यादव भले उनको माला पहना। तो ये घटनाएं जो हो रही है वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। ये सरकार को नया तरीका मिल गया, ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। बंगाल पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों की जुबान नहीं खुलेगी। ये मुस्लिम वोट के लिए जब बहराइच की घटना हुई, एक शब्द नहीं अखिलेश यादव की जुबान से, केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो डीएनए में ही हिंदू विरोधी। हम लोग गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? हम लोग भागने जा रहे थे कि ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ये ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। योगी जी के कानून की राज की चर्चा सर्वत्र सब जगह हो रही है। बाबा साहब का संविधान धर्म ग्रंथ की तरह है। पार्टी है, हमारी सरकार है, जन कल्याण के लिए समर्पित, गरीब कल्याण के लिए समर्पित। हमारे लिए फिल्में देखने का समय कहाँ बचता है? व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसे खत्म हो गई? पहले हम कहते थे कमजोर है, चरमराई हुई है, अब वो सब नहीं, अब तो खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई। ऐसे में फिर यही सब कुछ होगा जो होता हुआ दिख रहा है। पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहलाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। उनको गिरफ्तार करने का अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है, चाहे मरे जिंदा या मुर्दा उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या तो जेल में। अपने पति और देवर के बारे में बात करने जाते कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए। उनका तो कोई काम, वहाँ कोई काम ही नहीं था। मेरे शौहर वहाँ नहीं जाते आते थे, हमारा ही कनेक्शन था, हमने लव मैरिज शादी करी थी। तो इनकाउंटर हाफ लेकिन सियासत फुल। आइए चर्चा शुरू करते हैं। परिचय मैं आपका कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज सिंह काका, आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे और साथ ही पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के एके जैन साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। केके शर्मा जी, आपसे शुरुआत करने जा रही हूं। जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है, इनकाउंटर सरकार की नाकामी छुपाने के लिए, डराने के लिए कर रहे हैं क्या आप लोग? पिछले भी सारे बयानों को देखें तो एक बात स्पष्ट है, उनको हमेशा अपराधी के समर्थन में खड़ा होना है। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि अपराध क्या है, क्यों है, किसका है। उनको केवल अपराधी के समर्थन में खड़ा होना है और यह देखना है कि अपराधी की जाति और धर्म क्या है। जाति और धर्म सूट की बस वहीं से राजनीति चालू है। मुझे आश्चर्य होता है कि अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। अखिलेश यादव अपने शासनकाल को याद कर लेते तो शायद उनको कुछ अपने में समझने में थोड़ी सी शर्म आती। समझकर 2012 से 17 तक रोमाना जी 815 सांप्रदायिक दंगे हुए अखिलेश के शासनकाल में। 815 192 लोगों की जान गई। और अभी जो ये सरकार है, जो ये दूसरा कार्यकाल है, उसमें ये पहला एक दंगा है,
इसके पिछले सरकार के जो आंकड़े हैं वो सिर्फ 35 दंगों के हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं उसका उससे तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो बातें कह रहे हैं, और यदि इनकाउंटर की बात करूँ जी, तो जो मुलायम सिंह की सरकार यहाँ पर रही है उसमें जो है 899 इनकाउंटर हुए, 899, और हमारी सरकार में 208। अखिलेश जी थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सीख लो, इनकाउंटर करना, ये जब अपराधी सीमा से आगे निकलते हैं, पुलिस वालों पर गोली चलाते हैं, अपराध करते हैं, पकड़ से भागने के कारण वहां पर इनकाउंटर होता है, और जो कि पुलिस लॉ के अनुसार है। यहां पर एके जैन साहब बैठे हैं, वो उसका डिटेल बताएंगे, पुलिस विभाग के क्या क्या रूल्स है, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, उस पर बहुत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि आप जो है जाति और धर्म देखकर और जो है मातम जो मनाते हैं, बस एक बात कहकर समाप्त करता हूँ कि इनका इतिहास भी देखना बहुत जरूरी है। रोमान, मैंने तो आंकड़े से बता दिया कि इनकी क्या स्थिति रही, नहीं मैं इसी आंकड़े के आधार पर ही सवाल आगे बढ़ाऊंगी सर, कि अतीक अहमद इसी आंकड़े के आधार पर ही समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं, और मनोज सिंह काका से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मनोज सिंह काका जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, जल्दी से सर, जल्दी से, बस दो परिचित नाम बता देता हूँ ताकि दर्शकों को संज्ञान में आ जाए। आप अतीक अहमद जैसे अपराधी के कुत्तों से तक आपके नेता हाथ मिलाते हैं, अपराधी की तो बात छोड़िए, और वही मुख्तार अंसारी जिसके ऊपर 70 से ज्यादा आपराधिक मामले रहे, माफिया थे, और यही नहीं 10 से ज्यादा पर सजा हो गई उनको, उसके आप उस पे जाते हैं कब्र पर फूल चढ़ा के कहते एक शरीफ इंसान, एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति है। आप समझ सकते हैं इससे कि अखिलेश यादव की सोच सांप्रदाय और समाजवादी पार्टी की सोच क्या है अपराधियों के प्रति, अपराधियों के संरक्षण देने के प्रति। ठीक है मनोज काका जी, जवाब दीजिए केके शर्मा जो आरोप लगा रहे हैं, और साथ ही जब समाजवादी पार्टी की सरकार आपके राज्य में इनकाउंटर, और उन्होंने पूरा आंकड़ा रखा 899 का, तो फिर वो सरकार का इकबाल बुलंद हो रहा है, और अगर योगी सरकार में इनकाउंटर हो रहा है तो वो आपको सरकार की नाकामी नजर आ रही है, क्यों? रोमाना, अगर सिर्फ इनकाउंटर से ही सरकार का इकबाल बुलंद हो रहा है तो इनकाउंटर उस चिन्मयानंद का भी कर देना चाहिए जो एक छात्रा से मालिश करा रहा था, वो देश का पूर्व राजमंत्री था, भारतीय जनता पार्टी का सागिर था। अगर इनकाउंटर से ही इकबाल बुलंद हो रहा है तो सबसे पहले सेंगर का करवा देना चाहिए। अगर इनकाउंटर से ही इकबाल बुलंद हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो टॉप 10 अपराधी हैं वो मुख्यमंत्री के स्वजाति हैं, और उन लोगों का इनकाउंटर कर देना चाहिए। एक पहले सवाल का जवाब, ये बता रहे थे कि इनकी संस्कृति क्या है, ये किस तरह से अपराधियों के पोषण है। इस देश का सबसे बड़ा अपराधी, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय जिसने बेटियों से बलात्कार का और उनके हत्या का दोषी पाया राम रहीम को, उसका पोषण और उसका पूजन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और उसको पेरोल देने वालों को टिकट देती है, तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर अपराधियों की कहीं जमात है, संख्या है, एडीआर की रिपोर्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात कि सबसे ज्यादा अपराधी अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी। तीसरी बात यह है कि कानून सबके साथ एक समान व्यवहार करता है, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अगर पैर में गोली मार देना ही न्याय संगत है तो उन लोगों के पैरों में गोली कब मारी जाएगी जब उस युवा के हत्या के बाद उसी बहराइच में 50 घरों को आग लगा दिए, बहन बेटियों को जलाना चाहे, उनके गाड़ियों को आग लगा दिए गए, तो क्या योगी आदित्यनाथ उन सभी के पैरों में गोली मारेगी, उन अपराधियों के भी पैरों में? नहीं, वो योगी आदित्यनाथ चूंकि न न्याय करना चाहते हैं, न योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव स्थापित करना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ और उनके उन्मादी प्रवक्ता, उन्मादी नेता, विधायक ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान हो जाए, पूरा देश बहराइच से लेकर बनारस तक धधके और उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले, ये समाजवादी पार्टी नहीं होने देगी। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कहा है वो तर्कसंगत बात उन्होंने कहा, क्या आप ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस देश के न्यायालय को अब ये कह रही है कि आपको मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश और देश में न्याय की कोई व्यवस्था, हम जिसको पाएंगे उसको गोली मार देंगे? नहीं मारेंगे। अगर गोली मारने की इतनी हिम्मत थी तो BHU के अपराधियों के पैरों में गोली क्यों नहीं मारे? सरकार कांप गई, सरकार कांप गई। KK शर्मा जैसे लोग
गों की जबान बंद हो जाएगी, इनके हलक से सांस नहीं निकलेगी जब इनके स्वजाती और मुख्यमंत्री के स्वजाती अपराधी जब उत्तर प्रदेश में अपराध करते हैं। ठीक है सिर्फ मनोज काका जी, मनोज काका जी आपने जो इतनी लंबी चौड़ी बात कही सर, भी न्याय स्थापित नहीं, मेरा सवाल था उसका जवाब आपने दिया नहीं। मैंने सवाल ये पूछा था सर कि जब आपकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तो 899 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में, तब तो कोई सवाल नहीं उठता था इनकाउंटर पर, तब तो इनकाउंटर सही लगता था, समाजवादी पार्टी की नीति में था, तब समाजवादी पार्टी इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही थी। सवाल मेरा ये था, नहीं नहीं मैंने आपसे पहले ये सवाल पूछा था, तब आपने जवाब नहीं दिया। अब रुक जाइए, अब पहले आप अनिल यादव को सुनिए, उनकी बारी है, उसके बाद आपके पास आऊंगी। अनिल यादव जी आप मुझे बताइए, इनकाउंटर के पक्ष में हैं आप या इनकाउंटर के खिलाफ हैं आप? क्योंकि एक तरफ तो लंबी लाइन फहरिस्त के साथ नाम गिना दिए जाते हैं कि चिन्मयानंद का इनकाउंटर क्यों नहीं कर देते हैं साहब, सेंगर का इनकाउंटर क्यों नहीं कर देते हैं साहब, वो स्वजातीय जो अपराधी है उनका इनकाउंटर क्यों नहीं कर देते हैं साहब, और दूसरी तरफ जहां इनकाउंटर हो रहे हैं वहां पर सवाल उठा दिए जाते हैं। अनिल यादव देखिए मुझे लगता है कि जो ये बातें कही गई है उसमें आप तो कम से कम तथ्यों का, मुझे लगता है कि अभी अनिल यादव जी को मेरे साथ ले आइए, मनोज जी आपके साथी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बोलने दीजिए, इनका बोलने का अधिकार तो मैं छीनिए यहाँ पर बैठकर नहीं, आपके पास दोबारा होंगी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, दोबारा मौका दूंगी आपको, पहले मौके में तो आपने जवाब नहीं दिया। आइए, अधिकार तो सत्ता वाले छीन लेते हैं किसी से बोलने का तो किसी से जीने का, और भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। जहां तक बात है आपके सवाल की, तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई ये देश तो संविधान से चलेगा ना, धाराओं से चलेगा जो भाई संविधान में लिखी हुई है। ऐसा तो नहीं कि आपके मन में आ जाएगा कि आज ये कर देते हैं और वो सही घोषित हो जाएगा। जहां तक बात है, क्योंकि मैं के शर्मा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जाति और धर्म की बात आ जाती है तो भाई विपक्ष वाले कुछ कहने लगते हैं। अरे आप जाति और धर्म की बात करेंगे, जिनकी पार्टी के जो बड़े नेता है, गोली खा लेनी चाहिए थी, पुलिस वाले वहां पर शहीद हो जाते, पुलिस वाले उन पर काउंटर फायरिंग ना करते, पुलिस वाले कहते हाँ हमें मारो और तुम भाग जाओ, हम नहीं मारेंगे तुम्हें, हम पलट कर गोली नहीं चलाएंगे, मतलब चाह क्या रहे हैं? नहीं रोमाना जी, इस बात के दो पहलू हैं। पहला तो ये कि भाई जो एनकाउंटर हुआ है क्या वो सही है, वो किस किस परिपेक्ष में किया गया है। अभी कल तक ये डिबेट चल रही थी कि जो बहराइच में दंगा हुआ है, जो ये जो राम गोपाल मिश्रा है, पूरा देश ये कह रहा था कि भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार की कमी है जिसकी वजह से ये लड़का मारा गया, 22 साल का लड़का मारा गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना इनका LIU, ना कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, ना इन्होंने रैकी कर रखी थी उस रस्ते की, और ये कह रहे हैं कि भाई ड्रोन से हम सर्वे कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं कर रखे थे। पूरा देश जब योगी जी से सवाल पूछ रहा था, तो उन सवालों से बचने के लिए ये एनकाउंटर न्याय के लिए नहीं हुआ है। हाँ। न्याय देने के लिए हुआ होता तो भाई सब पे एक जैसी कार्रवाई होती, ये तो अपनी जो नाकामयाबी है उसे छुपाने के लिए एनकाउंटर किया गया, इसलिए सवाल उठ रहा है। जहां तक बात है जैसी कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई की कमी, मैं बता रहा हूं अभी आप मुझे ये बताइए कि मैं तो चाहता हूं ना कि सभी पे कार्रवाई हो। अभी यहां पर जो ये जो दर्जनों घर जो जलाए गए हैं उसमें हिंदू पक्ष नहीं है क्या? जिनके घर जलाए गए हैं उनके घर कब चिन्हित होंगे, उनके घर कब बिल्डोजर चलेगा? अरे वहां पर गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं क्या बहराइच में? वो सब फरार थे क्या? इसका मतलब बाकी आरोपियों को तो गिरफ्तार भी किया ना पुलिस ने? 10 सेकंड तो मुझे दीजिए। जहां तक बात है ये एनकाउंटर के की जांच होने की, ऐसा नहीं है, देखिए हमें पुलिस की वर्दी पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब ये वर्दी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करती है तो सवाल उठेगा। ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस कभी कोई गलत नहीं करती। मैं आपको उदाहरण के रूप में दिखा देता हूं। आपको याद होगा कि एक घटना है कासगंज की, ये देखिए यहां पर एक लड़के को मार दिया गया, ये 22 साल का लड़का था। यूपी पुलिस, मैन फाउंड हैंगिंग फ्रॉम 3 फीट हाई टैप इन उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन। ये देखिए ये घटना है, ये कासगंज की घटना है, यही यूपी पुलिस है, ये कह रही है इनकी गिरफ्त में एक लड़का था, अल्ताफ नाम था, 22 साल का, उसको पीट पीट कर मार दिया। पुलिस अगले दिन पता क्या कहती है? कहती है कि 3 फीट की टोटी लगी हुई थी, उससे फांसी लगा कर ये मर गया। अब आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से तो क्योंकि जो पुलिस कह दे वो सही है तो इसको सही मान लिया जाए। इस पर हालांकि चौकी सस्पेंड हुई थी। ऐसा ही एक मामला है, यूपी पुलिस का एक कांस्टेबल है दिल्ली में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हुआ है, वो कह रहा है नहीं जी मैंने नहीं किया, दिल्ली पुलिस कह रही है किया है, तो आपके हिसाब से तो क्योंकि यूपी पुलिस सही है तो उसको भी सही मान लिया जाए। अभी यही नोएडा की एक घटना बता रहा हूं, थाने में एक लड़के को मार दिया, उस पे छेड़खानी का आरोप था, पुलिस ने 5 लाख रुपए मांगे, उसके भाई ने बताया 50,000 इसने दे भी दिए, उसके बाद भी उसको मार दिया गया, तो यूपी पुलिस तो उसको भी अपराधी बता रही है। देखिए एक समस्या ये है कि आपको कानून के दायरे में, चाहे पुलिस हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, सब कानून के दायरे में आते हैं, आप किसी को भी सॉफ्ट कॉर्नर देके बचा नहीं सकते, आपकी जिम्मेदारी है। आपने सवाल यहां पर पुलिस को लेकर खड़े किए। मैंने पुलिस को नहीं, मैंने सिस्टम को लेकर
ये कानून के अंदर सब आते हैं, पुलिस भी या नेता भी कोई भी बचा हुआ नहीं है। सिस्टम को लेकर खड़े किए, लेकिन फिलहाल जितने आपने मामले गिनाए हैं उन सब में निशाने पर पुलिस वाले आए। एके जॉनसन, लेकिन क्या यहाँ पर हम इस पॉइंट को मिस कर रहे हैं कि जो इनकाउंटर्स होते हैं उनमें बाकायदा एक एसओपी है जहां पर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट पूरे मामले में जांच करता है? और यह भी गौर करना होगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर्स हुए हैं उसको लेकर उस जांच के अंदर तो किसी तरीके की कोई अनियमितता नहीं पाई गई सर। हाँ, सियासत जो है वो जोरदार तरीके से उन इनकाउंटर्स को कटघरे में खड़ा कर देती है। मुझे लगता है इस पर आपको आना चाहिए सर और नेताओं को जवाब देना चाहिए। एके जैन साहब, देखिए मेरा ये मानना है यूपी में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की प्रक्रिया 8-10 साल पहले समाप्त हो गई। ठीक है, उस समय आरोप लग, अब कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन किसी को नहीं दिया जाता किसी भी एनकाउंटर को। रही बात एनकाउंटर की, मेरा यह मानना है कि एक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जब उसके गले पड़ जाता है कोई घटना, उसी समय गोली चलाता है मारने के उद्देश्य से, अन्यथा या तो वो इंजर्ड करने के लिए चलाता है या इसलिए चलाता है कि अपराधी को दबोचा जा सके। देखिए इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, मैंडेटरी है बिल्कुल, ये बिल्कुल। नंबर दो, जुडिशियल इंक्वायरी होगी क्योंकि इसमें जो है वो सीजीएम के कोर्ट में या एसीजीएम के कोर्ट में मुकदमा चलेगा, दोनों पक्षों के बयान दर्ज होंगे और उसके बाद महीनों बाद सालों बाद उसके अंदर फाइनल रिपोर्ट स्वीकार होगी या मुकदमा दर्ज करने के आदेश होंगे। जी, एनएचआरसी की स्क्रूटनी, हाईकोर्ट की स्क्रूटनी और किसी भी कोर्ट की स्क्रूटनी इस समय लगातार कभी भी हो सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि पुलिसकर्मी कभी भी इस प्रकार का प्रयास नहीं करते कि कोई अपनी बहादुरी दिखाने के लिए जबरदस्ती किसी के पैरों में गोली मारे और फिर सालों साल एक जांच का एक एक, एक जांच की परिधि में बने रहे। ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड आप जो कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं एके जैन साहब की बात से सहमत हूँ, बहुत सीनियर अधिकारी हैं, लेकिन इसी सरकार के ऊपर ऐसे भी आरोप लगे हैं, क्योंकि ये बात ठीक है कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन तो बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया है कि भैया आप फलाने का एनकाउंटर कर दो और आप सब इंस्पेक्टर हो गए तब भी आपको थाना दे दिया जाएगा। और प्रदेश में मैं कह रहा हूँ ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पर उनसे ज्यादा जो डिजर्विंग ऑफिसर्स हैं वो उनको चार्ज नहीं दिया जाता है लेकिन कम वालों को दिया जाता है। इसका कारण इस तरीके के इफ एंड बट लगाएंगे अगर तो उसमें तो फिर कोई नहीं है ना, सुनने में आया कहकर अगर कहेंगे तो फिर बात नहीं। आप जांच करा लीजिए ना, इसकी आप जांच करा लीजिए ना, पता कर लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, एक जिला उठा लीजिए और देख लीजिए किस किस थाने। फैक्ट के साथ बात रख रही हूँ ना, यूपी में किसी भी एनकाउंटर पर कोर्ट ने सवाल खड़े नहीं किए, मैंने तो पहले ही फैक्ट रख दिया ना, इसीलिए मैंने कहा कि अगर एफ एन बट लगाकर और बात फिर कहां से कहां जाएगी सर, उस पर तो कोई अंत नहीं है। अनिल दुबे जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं, उनके पास अब हम चल रहे हैं। लेकिन अनिल जी, बावजूद इसके जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में वो योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहा है, वो तो सीधे सीधे इनकाउंटर को फर्जी कह देते हैं सर। लेकिन माना जी, विपक्ष का काम है आलोचना करना, उनको आलोचना करनी भी चाहिए। ठीक है, और जहां तक इनकाउंटर है, अगर वो इनकाउंटर है पुलिस के ऊपर अपराधी गोली चला रहा है तो पुलिस में समझता हूँ कि पुलिस जो है उसे अगरबत्ती लेकर के उसकी पूजा नहीं करेगी। सही बात, अगर पुलिस ने इनकाउंटर किया है, ये गोली चलाई है तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाती है, इसकी एक विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। जहां तक समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के मित्र हमारे बैठे हुए हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी 80 के दशक में और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी ने इनकाउंटर के खिलाफ आंदोलन चलाया, मुलायम सिंह जी ने कहा कि इस समय इनकाउंटर हो रहे, और जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो कांग्रेस कहती थी इनकाउंटर हो रहे। ये कोई ये परंपरा विपक्ष में रहकर लोग इस बात को चाहते रहे, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए अगर अपराधियों के साथ खड़े होंगे, आप अपने निजी फायदे के लिए अपराधियों की बात करेंगे, तो उस समय की बात को भी याद करिए जब कांग्रेस की सरकारों में सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए, मुलायम सिंह जी की सरकार में सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए। ये अलग बात है कि अखिलेश जी की सरकार में इनकाउंटर कम हुए, लेकिन इनकाउंटर जब हुए तो उनकी मजिस्ट्रेट जांच होती है। जेल साहब ने कहा तो अगर बहराइच में आज इनकाउंटर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि उसकी मजिस्ट्रेट जांच हो, अगर नहीं हो रही तो मजिस्ट्रेट जांच करा दी जाए। आपने बहुत सही तरीके से सर पूरे मामले को यहाँ पर एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट में रखने का काम किया। मनोज काका जी, मतलब विपक्ष में आप हैं तो जो विपक्ष अभी तक करता आया है वही जिम्मेदारी फिर तो आप निभा रहे हैं। मतलब वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के समय में मुलायम सिंह यादव जो करते थे, मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय में जो कांग्रेस करती थी, आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार के समय में आप लोग विपक्ष में, आप लोग भी वही काम कर रहे हैं, तो करते रहिए सर। लेकिन पुलिस यहाँ पर
अगर आरोपी पुलिस पर फायर करेगा, पुलिस की जान को खतरे में डालेगा, तो पुलिस तो सर आरती नहीं उतारेगी ना, वो तो माला नहीं पहनाएगी, वो तो जवाब गोली से ही देगी। आइए मनोज काका। देखिए रोमाना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कम से कम आज मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ती है वही आपको पढ़ते हुए मैंने पाया। आपकी प्रतिबद्धता इस देश के नागरिकों के प्रति है। आप सच कहिए, 800 इनकाउंटर नहीं हुए थे श्रद्धेय पद्म विभूषण नेताजी के सरकार में? आंकड़े ठीक कर लीजिएगा। अगर 800 आंकड़े गृह मंत्रालय बताएंगे तो जो कहिएगा वो आप गृह मंत्रालय का रिपोर्ट लेके आइएगा। ये आप झूठ पढ़ रहे हैं, पूरा देश जाने कि रोमाना एक बड़े मन से झूठ बोल रही है। पहली बात तो ये, हम ये चाह रहे हैं, आंकड़े आपके सामने केके शर्मा जी ने रखे, हम चाह रहे हैं केके शर्मा जी के आंकड़ों को दोहराया, आप मुझे बता दीजिए सर, मुलायम सिंह यादव सरकार के समय में 5 साल में कितने कितने आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बता दीजिए सर, आपको पता होना चाहिए। जो केके शर्मा पढ़ेंगे वही 400 से ज्यादा हुए नहीं हुए, 400 से ज्यादा हुए या नहीं हुए? केके शर्मा पढ़े, मुझे बता दीजिए ना रोमाना, जो केके शर्मा ने नहीं पढ़ा, ये रोमाना इफ्तार खान आपको बता रही है, 400 से ज्यादा तो हुए सर। रोमाना जो केके शर्मा पढ़ेंगे, 400 से ज्यादा हुए या नहीं पढ़ेंगी? कि रोमाना का अपना कुछ आंकड़ा है, अपना आंकड़ा बता रही हूं ना, 400 से ज्यादा हुए या नहीं हुए बताइए ना, रोमाना के अपने आंकड़े बताइए ना, आप भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े क्यों कर रही है? मेरे आंकड़े पर बोलिए ना, आप पहले इसके लिए माफी मांगिए। समाज 400 से ज्यादा हुए या नहीं हुए आप बताइए मुझे, 5 साल में 400 से ज्यादा इनकाउंटर मुलायम राज में हुए या नहीं हुए? हम मुलायम राज में जो इनकाउंटर हुए फेक इनकाउंटर नहीं हुए, और उस देश के न्यायालय ने सब इनकाउंटरों को सच पाया। यही तो सब कहते हैं, आपकी सरकार की आप कह रहे हैं हमारे राज्य में फेक इनकाउंटर हुए, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कह रही है हमारे राज्य में एक्सप्रेस ने छापा है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, लोगों को घरों से लोगों को घर से उठा करके और गोली मार देना इनकाउंटर नहीं है, पूरी तरह से हत्या है। और आप चाहे जितना इसको प्रोत्साहित और प्रसारित कर लीजिए, सारे लोगों को जेल जाना है, ये नोट करिए। और इसी सरकार के, बीजेपी सरकार के ही पूर्व डीजीपी ने कहा है कि जितनी हत्याएं हो रही हैं सारे पुलिस वालों को जेल जाना पड़ेगा, वो डीजीपी सरकार के ही पहले अरे बीजेपी सरकार के ही पहले डीजीपी का ये बयान है, आपको पढ़ना चाहिए समग्रता के आधार पर। समाजवादी पार्टी सिर्फ सर, आपको भी ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी जिस तरीके से न्याय करिए लेकर आप संविधान सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, अल्लाह बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक घेराबंदी नजर आती है सर। क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव के समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 5 साल के अंदर 400 से ज्यादा इनकाउंटर राजनीतिक घेराबंदी नजर आपकी मजबूरी साल में 208 हुए हैं देश में लगातार, आप जहां से संवाद कर रही हैं वहां बात कर रही हैं, आप जहां से बात कर रही हैं उसी नोएडा में जितेंद्र यादव का इनकाउंटर कर दिया गया, नोएडा में जितेंद्र यादव का इनकाउंटर कर दिया गया है। आज नौजवान वो चारपाई पर है, वो जस्टिफाई कर पा रही है आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगी? भेज दूं आपका स्टूडियो उस नौजवान को जो ये जिम ट्रेनर था और उसको पुलिस वालों ने हत्या कर दिया, आज वो चारपाई पर है, क्या बात कर रही है? उसकी बहन आत्महत्या कर ली, अपने भाई के पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं हुए? इस तरह से झूठ पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं हुए? सच तो नहीं खत्म हो जाएगा क्या उस मामले में? पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं हुए मनोज काका, बताइए मुझे, मेरे चिल्लाने से क्या होगा? सच को स्वीकार आवाज नहीं दबा सकते इसी क्या तरह, इस पुलिस वालों पर एक्शन नहीं हुआ मनोज काका, बताइए मुझे क्या आप इस बात को झूठ ला सकते हैं? देखिए नहीं झूठ ला सकते ना, रोमाना की यही पत्रकारिता देखिए, रोमाना की पत्रकारिता देखिए, झूठ के हत्याओं को इनकाउंटर बता रही है, यही पत्रकारिता को आईना दिखा रहे हैं, और जब मैं आपको सच का आईना दिखा रही हूँ तो आपके पास जवाब नहीं है, तब आप मेरी पत्रकारिता के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको सच का आईना दिखा रही हूँ तो आप मेरी पत्रकारिता के पीछे छुप रहे हैं। हजार सवाल करिए, आपके सब सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मैंने तो आपसे बेसिक सवाल पूछा कि आपकी सरकार के समय में अगर इनकाउंटर हो रहे हैं तो आप लोग कहते थे कि साहब ये सरकार का एक बाल बुलंद हो रहा है, तब तो सरकार का एक बाल बुलंद करते थे ना आप लोग, अब आज अगर इनकाउंटर हो रहे हैं तो फिर आप लोग कह रहे हैं ये फेक इनकाउंटर हो रहा है, तो क्यों ना कहा जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ अनिल यादव, ये पीडीए वाली जो आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उसी को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर अपराधियों को ढाल बना रहे हैं आप लोग। देखिए बड़ी
चतुराई से आप एक मुद्दे को दूसरे मुद्दे में बदल देते हैं। पहले तो बात यह होनी चाहिए कि भाई क्या कानून व्यवस्था जो है वो एनकाउंटर से ही चलेगी? जिस योगी जी की वाहवाही की जा रही है उन पर 2 साल में 7 DGP लगभग बदल चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर मामला चल रहा है, एक परमानेंट DGP अपॉइंट नहीं कर पाए, वो कानून व्यवस्था संभालेंगे? और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप एनकाउंटर से ही आश्वस्त कर दें कि क्राइम नहीं होगा तो अगले दिन बाराबंकी में कैसे ऐसी घटना घट गई? आप ये बताइए ना, एक यहां पर लूट होती है तो आपने मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया, उस पर सवाल उठा तो आपने किसी अजय प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया, दंगा हुआ तो 2 मुस्लिमों का एनकाउंटर कर दिया, लेकिन आपके फिर भी आंकड़े NCERB के डेटा में सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं के इसी प्रदेश में हो रहे हैं, दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा इसी में हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई आपको यह पूछना चाहिए योगी जी से कि भाई आखिरकार आप क्यों इस प्रदेश में, आपको दूसरी बार सरकार बनाई है, क्यों आपने कानून व्यवस्था जर्जर कर रखी है? और अगर हम सवाल उठाते हैं तो उसको भी चेंज कर दिया जाता है। एनकाउंटर की नौबत ही क्यों आ रही है? वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था खराब, इसी वजह से ये हालात उत्तर प्रदेश में। के शर्मा, देखिए रुपाला जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत से प्रश्न हो गए जी। पहली बात तो मैं अनिल यादव जी को बता दूं, उनको थोड़ा सा अपना इतिहास का अध्ययन कर लेना चाहिए। 40 साल लगभग हो गए हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता से बाहर रख दिया। क्यों रखा है जानते हैं? कांग्रेस पार्टी को, समझ पाए यार? अभी इतिहास बताया दुबे जी ने, सबसे बड़ा दंगा यदि कोई उत्तर प्रदेश में हुआ था तो वो कांग्रेस की सरकार में 13 अगस्त 1980, विश्वनाथ प्रताप सिंह वहां उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा दंगे में हत्या हुई थी। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आपके इसी के कारण से आपको 40 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर रखा है। 2 विधायक जीत के आए, राजनीतिक अर्थी उठाने के लिए भी 4 विधायक चाहिए। क्या बात है, ये आप की सरकार रही है तो आप कानून व्यवस्था मत पढ़ाइए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मनोज काका जो ज्ञान दे रहे हैं कि ये कहां के आंकड़े हैं, ये NCERB की डाटा है और ये डाटा एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने जारी किए है, आपके बस का हो तो चैलेंज कर लो। और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपके सरकार के समय 499 एनकाउंटर हुए और हमें ज्ञान मत सिखाइए, हमें कानून व्यवस्था, एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं बोला मनोज जी, और हमें कानून व्यवस्था मत समझाइए। आपकी वो सरकार रही है कि आप 14 आतंकवादियों को सद्भाव के नाम से छोड़ने जा रहे थे, हाई कोर्ट के जज ने कहा, फटकार लगाई तब आप वापस लौटे, ये भी तक कहा कि आप पद्मभूषण दे दोगे आतंकियों को। ये कमेंट्स हैं आपकी सरकार के लिए। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, आपको सुप्रीम कोर्ट से आपको डांट पड़ी, आप मुआवजा बांटते किसको, कैसे उसमें केवल मुसलमानों को? योगी आदित्यनाथ आपने कहा इस जो है इस दंगे में केवल मुसलमानों को मुआवजा देंगे, यह है आपका मुस्लिम पुष्टिकरण। आप हमें मत सिखाए, ये गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, ये गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, जीप भी लटका लोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पाप और गुंडों और माफियों की जो पार्टी है आपकी, वो एक्सपोज्ड है, आपके पाप माथे चढ़ के बोल रहे हैं, इसलिए सबको पता है आपने क्या किया था मुजफ्फरनगर के दंगों पे और क्या किया आपने उस समय पर, किस तरह से तुष्टिकरण का चाल चला। और इसके बाद आपने जब कहा कि केवल मुसलमानों को मिलेगा मुआवजा, तब आपको सुप्रीम कोर्ट ने डांटा। आतंकियों को छोड़ने की बात करते हो, तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, और गायत्री प्रजापति कहां चले गए जिसको घर में छुपाते रखते थे, है? कौन थे वो जो कानून तोड़ेगा रोमाना जी, उसको कानून के तहत ही सजा होगी। यदि वो पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस भी कार्रवाई करने के अधिकार रखती है, मनोज अधिकार भी अपना यूज करेगी। कोई माफिया कोई गुंडा उत्तर प्रदेश में योगी जी के रहते कानून तोड़ेगा तो उसको सजा निश्चित है मिलना। तो मनोज काका बीजेपी साफ कर रही है कि योगी सरकार तो ऐसे ही चलेगी, सरकार नहीं है, योगी सरकार ऐसे ही चलेगी। और वो आरोप समाजवादी पार्टी पर कि पीडीए के चलते वोट बैंक तलाशते पीडीए को वोट बैंक को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग आरोपियों में भी पीडीए ढूंढकर बाकायदा मुद्दे उठाकर उसको सियासी रंग देते हैं, इनकाउंटर जैसे मामलों को, अपराधों को। मनोज काका, ये रोमाना मैंने तो हर आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किया और इस सरकार जो सरकार इतनी जिस सरकार के दरबारी गिरी करने वाले प्रवक्ता ये बात कर रहे हैं उसी सरकार को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आपके मंच के माध्यम से बात करना सीखो कि उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान पर ही
सिर्फ लोगों के घरों पर ही नहीं बल्कि संविधान पर बुलडोजर चलवा रही है। तो जो लोग संविधान पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ स्वयं के 19 सिंह पर आपराधिक मुकदमे जिन लोगों का पूरा इतिहास रक्त रंग दंगे हुए थे, इस तरह की बातें मुसलमान है उन्हीं को मुआवजा देने का आपको ख्याल आया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी संविधान का आईना दिखाया था ना, या फिर संविधान का चाबुक चला था आप लोगों पर, भूल गए? वो संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाना सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही हक है क्या? आप लोगों ने भी तो मुझे उड़ाई थी ना धज्जियां संवैधानिक मूल्यों की, सिर्फ मुसलमान दंगा पीड़ित सिर्फ उन्हीं को मुआवजा, भूल गए आप 2013 मुजफ्फरनगर दंगा? रोमाना जो दंगे समाजवादी पार्टी में हुए उसमें दोषी और दंगे के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो जो बात है ना कि जितने थे कुर्बे जवार में प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, तो वो सारे जितने के तो बात करने की कमी थी रोमाना साहब, आप इस्तेमाल कर रहे हैं मेरी समझ से परे है, आप प्रवक्ता हैं सर अपनी पार्टी के, इस तरीके की भाषा में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी सर, इसके बाद मनोज काका जी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल मनोज काका जी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं सर, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।